तो दोस्तों चढ़ गए हैं बिल्कुल ऊपर टॉप पे, साथ में नवदीप जसवंत दोस्त हमारे साथ, देख सकते हो भाई। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और ऊपर का व्यू दिखाऊंगा आपको पूरा कंप्लीट। देखो यहाँ पे टॉप पे कुछ इस तरीके की दीवार है, दीवार दीवार से आप लोग जा सकते हैं, पीछे का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो, नीम राणा हिल क्लाइंबिंग की वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं। मेरे साथ नवदीप है, जसवंत जो हमारा तीसरा पार्टिसिपेटर अभी चला गया है, पर दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल कैंपिंग विद एनसी में। तो आज हम लोगों ने एक चैलेंज लिया है कि हम लोग इस पहाड़ पे जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं या नीम राणा में रहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस हिल स्टेशन के बीच में रहता हूँ, कि वहां से पहाड़ स्टार्ट हो रहा है उस साइड से और ये पूरा घूम के इस साइड भी है और इस साइड भी है ना, तो पूरा पहाड़ है। तो इस स्टेशन के बीच में हम लोग रहते हैं नीम राणा में। तो आज हमने चैलेंज लिया है कि हम तीन लोग इस पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं और वो भी 15 मिनट में। तो चैलेंज कैसा रहेगा पहले बताएंगे भैया हमारे, हो गया ठीक है। तो चैलेंज इस तरीके से है कि हम लोग यहाँ से पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्फिडेंस लेवल देख लेता हूँ अपनी टीम का कि कैसे कॉन्फिडेंस लेवल है। तो सबसे पहले नवदीप से पूछते हैं है, क्या लगता है, 15 मिनट में ठीक है। उसके बाद जसवंत से पूछते हैं, जसवंत भैया 10 मिनट कम नहीं हो जाएगा भाई, कंप्रोमाइज। चलो हम कंपटीशन ही चेंज कर देते हैं, कंपटीशन अब ये करते हैं कि कौन कितनी जल्दी पहुंच पाएगा। तो मैं जसवंत भाई ने अभी बैग वैग निकाल दिया, कंप्लीटली तैयार हो चुके हैं, ये बोल रहे 10 मिनट में, नवदीप कह रहा 15 मिनट में। तो मैं पीछे से करूंगा कैमरा मैनिंग और ये चढ़ के दिखाएंगे आपको कि कितना टाइम में ये वहां पे पहुंच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं थोड़ी देर के बाद में। तब तक मैं पहले पानी वानी की सारी चीजें साथ में ले लेता हूं क्योंकि मुझे पता है वहां पे ऊपर जाने के बाद ऐसी चीज दिक्कत आ सकती है कि हमें पानी वानी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले सारे सामान अपना साथ में ले लेता हूं, उसके बाद चलेंगे। आज की डेट बता देता हूँ मैं आपको, आज डेट है 12 संडे है। डेट बता देता हूँ 11/12/2022 का ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं कि हम नीम राणा के हिल स्टेशन पे जाने वाले हैं। इस वाले जो पहाड़ को बोलते हैं हम लोग कालिया पहाड़, तो इस कालिया पहाड़ पे हम लोग जाएंगे अभी 11/12/2022 को। और मेरे साथ में है नवदीप और जसवंत। तो आज का इस बोतल में दे दो, दो तीन ग्लास ही दे देना, हाफ ही दे देना ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ से अभी ना पानी लिया है और चढ़ना है हमको ये वाला पहाड़। अगर वो लोग पहुंच गए पानी के बिना तो मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा भाई, इसलिए मैंने पानी ले लिया है यहाँ से और अब मैं भी जा रहा हूँ। तो उन लोगों को रेस्ट दिया है क्योंकि वो लोग बोतल लेने गए थे, हम जो कि हमने पहले छोड़ दी थी पीछे, तो उनका रेस्ट जब तक हो जब तक मैं पानी उनके पास लेके जाता हूँ, उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो देखना कैसा लगेगा अच्छा तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आपका मन नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि वीडियो में क्या कुछ है। रेडी, दोस्तों कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, पर दिक्कत यह है कि कैमरा रह गया पीछे और बंदे चले गए आगे, पर कोई बात नहीं, कच्चा चाली काम आएगी। ऊपर जाने वाले तो बैठ गए, मैं चलता हूँ स्लो स्लो। क्या कर रहे हो, फुलचंद ऊपर आ जा, फुलचंद
मेरे पास क्या क्या सामान है देखो, बोतल भी और लगेज भी मेरे पास है, और साथ में वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। पता नहीं भाई कैसी वीडियो बनेगी, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई मेहनत देख के तो कम से कम व्यू आ जाने चाहिए यार, मेहनत की व्यू तो आने चाहिए। और इतने ऊपर मैं आ चुका हूँ कि सामने वाला पहाड़ आप लोग देख सकते हैं मेरे बराबर आ गया वो, और लगेज भी साथ में है, और मुझे चढ़ना भी है और वीडियो भी बनानी है। तो आप लोग उम्मीद मैं सॉरी समझ सकते हैं कि भाई कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में ना। लो अभी मेरी बन जाती बीवी। चलो जब तक जसवंत भाई अपने कांटे से निजात पाएगा, मतलब कांटे वाटे निकालता, जब तक मैं ऊपर चलता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऊपर जाके इनके लिए बढ़िया सेटअप तैयार करना भी पड़ेगा ना, जब लोग ये आएंगे तो मैं इनकी वीडियो बना सकूँ। तो मैं जब तक अपना सेटअप तैयार करता हूँ, जब तक नवदीप वो सॉरी जसवंत आ जाएगा। कहा जसवंत भाई हेलो तो कर दो। हाँ ठीक है आ जाओ। ठीक है जब तक आता है हमारा पार्टिसिपेटर तब तक मैं यहाँ पे उसका वेट करता हूँ, जब वो आएगा तब वीडियो बनाएंगे आगे। हाँ यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ दो मिनट जब तक वो नीचे से आ जाए। जसवंत हार मान रहा है तो बता दे भाई, फिर हम लोग चले जाएंगे। पक्का? मेरे को तो तू दिख ही नहीं रहा कहाँ पे है भाई, इधर देख के बोल। हार ही नहीं है, हार मान रहा है तो बता। हार मान ली भाई, एक पार्टिसिपेटर जो 10 मिनट का नाम दे रहा था ना भाई, उसने तो हार मान ली है। आप जो दूसरा और मेन बंदा जो है ना, 15 मिनट वाले जसवंत सॉरी नवदीप भैया, यह भी हाँ ये तो मेरी वजह से पीछे रुक रहा, नहीं तो बंदा पहुंच जाता अब तक यार। चलो आजा जसू, अभी कहाँ खड़ा है देखो, वो दिखा देता हूँ आपको। अरे मम्मी यार आज ये पेड़ है और 5 मिनट बहुत, यहाँ खड़ा है दोस्त हमारा। पार्टिसिपेटर ने वापिस से हिम्मत जुटा के और भाई हमारे साथ आने का फैसला कर लिया है। तो जसवंत भैया क्या लगता है अब ठीक है नवदीप से जीत पाओगे? हाँ। ये तो मंकी मैन है भाई, चढ़ा बैठा छत पे, पहाड़ पे सॉरी किस पे चढ़े अब। मुझे नहीं लगता भाई इससे मंकी मैन से जीत पाएगा, तू देख कहाँ बैठा ये है, मतलब जमीन से कितनी दूरी पे हाइट पे होंगे अपन, वैसे अंदाजा है 200 मीटर 200 नहीं 200 से ज्यादा है यार दादा, तो 300 मीटर के आसपास है भाई। चल आ रहे हैं से आप देख के आइएगा, ये मैन वर्सेस वाइल्ड। चलो यहाँ से थोड़ी खड़ी चढ़ाई थी भाई है ना,
देख आप देखते हैं। चलो चल जा सुन भैया, आप चलो आगे। हाँ चल दो। अरे कहाँ से गया तू? इस साइड से गया। हाँ तो भाई वहां तक जाना है बस, उसके बाद से ऊपर को खतरनाक नजारा मैं आपको बोल तो अल्टीमेट व्यू दिखाने वाला हूँ। बस मुश्किल से मुश्किल 10-20 मीटर रुक जाओ बस आप लोग, उसके बाद आपको वही अल्टीमेट नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ तक जाना है दोस्तों। उत्तराखंड से कम चमत्कारी नहीं है नीम नानक की पहाड़ियाँ, देख लो आप लोग ना। बस यहाँ पे एक ही कमी है कि यहाँ पे बर्फ वो नहीं होती, स्नोफॉल यानी कि बर्फ नहीं गिरती। बस बाकी हिल स्टेशन चल रही है, उसके लिए भी होएगी, हो जाएगी। चलो नवदीप भैया कोशिश करें, क्योंकि वीडियो में अब नवदीप आपको कंटिन्यू दिखने वाला है, तो इनकी बात डायरेक्ट शिमला मनाली से भाई वो बोल रहे हैं कि भाई हो जाएगी बात। तो मैं बात कर रहा था कि नहीं है कम, क्यों देखो इस तरीके के कला है ना, वहीं पे दिख पाती है बस। तो इस तरीके की कला आप यहाँ पे भी देख सकते हो नीम राणा में भी, और साथ में व्यू और दिखा रहा हूँ मैं आपको किस तरीके का व्यू है। एक सेकंड देख, रुक जाओ आप लोग देखो, मेन रास्ता है वो पार लो। ये व्यू है नीमराना का, तो दोस्तों चढ़ गए हैं बिल्कुल ऊपर टॉप पे, साथ में नवदीप और जसवंत दोस्त हमारा चला गया नीचे भाई, देख सकते हो भाई। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, और ऊपर का व्यू दिखाऊंगा आपको पूरा कंप्लीट। देखो यहाँ पे टॉप पे कुछ इस तरीके की दीवार है, दीवार दीवार से आप लोग जा सकते हैं, पीछे का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो, नीमराणा हिल क्लाइंबिंग की वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं। मेरे साथ नवदीप है, जसवंत जो हमारा तीसरा पार्टिसिपेटर अभी चला गया है, पर कोई बात नहीं। तो भैया मेरी तो हवा हो गई है टाइट, अब जानेंगे यहाँ से थोड़ा रुक के रेस्ट करने के बाद, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में कि कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं अभी 83 से ऊपर का 83 के आसपास का मेरा वेट है, और मैं काफ़ी लंबे समय से एक्सरसाइज भी नहीं करता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप भी इजीली आ सकते हैं, और साथ में नवदीप था हमारे साथ में, तो ये इस बंदा फिर भी छूट फाड़ बंदा ही आ गया था भाई टाइम से, मुझसे पहले ही आ जाता अगर ये चाहता तो, पर मेरी वजह से रुका हुआ था। तो ये भी जो वीडियो है वो मेरे साथ आप कैंपिंग विद एनसी मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों उसको शेयर जरूर कर देना। नवदीप भैया बताएंगे खतरनाक बैड न्यूज आपको, नवदीप भैया बताओ क्या हुआ? आप ही बताओ। चलो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं ऊपर चढ़ा तो मेरे पास एक बैग था, वो बैग में था गिम्बल, तो नहीं है अभी, कहाँ गया वो, रह गया ऊपर। तो अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि कोई बंदूक भी लगा दे तो भाई मैं तो ऊपर जाऊंगा नहीं दोबारा से, लेकिन अब जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें मेरा इम्पोर्टेंट माल रह गया, और हम लोग लगभग लगभग नीचे आ ही गए थे बस वहाँ तक, मतलब हाफ जगह मैंने कवर कर ली है, और बाकी
हाफ जो मेन चढ़ाई थी ना वहां से हम लोग आए बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते हुए और बैग रह गए ऊपर। तो अब मैं नवदीप दोबारा से हिम्मत करके जाएंगे भाई। तो अब तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है यार वीडियो बनाने में। आपको अंदाजा नहीं है अभी कौन चढ़ेगा ऊपर, पता है आपको? जिसका बैग है वो चढ़ेगा। आपने वीडियो देख के हटा दी, कुछ भी नहीं हुआ ना, लेकिन अब मुझे पता कैसे जाएंगे ऊपर बैग लेके आएंगे। बहुत बुरी हालत है भाई, समझ नहीं आपको कैसे बनती है। चल आ जा भाई, अब कौन जाएगा यार। चलो अब थारा, पहले तो मैं इनके चक्कर में स्लो स्लो जा रहा था, पर अभी फुर्ती दिखानी पड़ेगी, स्टेमिना दिखाना पड़ेगा भाई। अब आया तो मैं बहुत मुश्किल से था। आजा आजा, देख लेंगे अब ऊपर है या नीचे, जाना तो पड़ेगा भाई। कहाँ रह गए, पीछे रह गए, आजा। यहाँ दो तीन बार गिरते गिरते आया था भाई मैं, लेकिन अब चढ़ेंगे। बैग लाने चक्कर में मैं अपनी कछुआ चाल भूल गया था और मैं काफ़ी स्पीड से चल रहा था, इस वजह से अभी हालत बहुत है ख़राब। नवदीप जसवंत सब रोक रहे हैं नीचे और मैं ही ऊपर हूँ, क्योंकि मेरा 15,000 रुपये का आइटम है उस बैग के अंदर, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, इस वजह से मैं जा रहा हूँ भाई। और मेन दिक्कत यह है कि पहाड़ कितनी ऊँचाई पर है, तभी थोड़ी सी चढ़ाई लग रही थी ना भाई, बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मुझे स्लो नहीं चलना था, सॉरी, मुझे स्लो चलना था यार। चलो चढ़ जाऊंगा मैं, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ फिर चढ़ जाऊंगा। और दोनों दोस्तों को छोड़ दिया पीछे ही, मैं उनकी गुंजाइश थी नहीं, हिम्मत नहीं थी, तो मैं अकेले ही आया हूँ बैग लेने अभी। तो ऑलमोस्ट ऊपर तो मैं आ ही गया हूँ, बस अब मुझे बैग ढूंढना है, वो मैंने कहाँ पे रखा था। भाई बहुत बुरी हालत है, लेकिन बैग इस पहाड़ से ही गया था मैं ऊपर, तो यही रखा होगा, लेके आता हूँ, देखते हैं कहाँ पे हूँ। हे नवदीप,